हेलो देखने वालों, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो टाइटल थंबनेल देखकर आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर ज्ञान देंगे। बट एक बार फिर भी अपनी खुशी के लिए मैं बता ही दूं, इंडियन माइनक्राफ्ट शॉर्ट क्रिएटर्स एंड ट्रेंड्स। एंड अब न्यू इंट्रो। इंडियन माइनक्राफ्ट शॉर्ट्स जिनका लास्ट कुछ मंथ्स में बहुत राइज हुआ है, लिटरली बहुत, इतना कि मैं कह सकता हूँ कि अभी अगर मैं माइनक्राफ्ट शॉर्ट्स बना रही हूँ ट्रेंडिंग टॉपिक पे तो 10वीं शॉर्ट्स में 1000 सब्सक्राइबर्स तो हो ही जाएंगे कंप्लीट, मोस्ट प्रोबेबली। तो बल्कि नहीं, हम नहीं बनाते क्योंकि अपन बिल्कुल ऑल टाइम लॉन्ग कंटेंट क्रिएटर है। लॉन्ग कंटेंट हैशटैग बॉयकॉट शॉर्ट्स, खैर इस टॉपिक पे कभी और वीडियो आएंगे। आज का जो टॉपिक है उस पर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। तो मैं बात कर रहा था अबाउट द राइज ऑफ माइनक्राफ्ट शॉर्ट्स इन इंडिया। लाइक इसका एग्जाम्पल मैं आपको बहुत क्रिएटर्स से दे सकता हूँ, लाइक मैकेडन बीबू, मिस्टर मीको शॉर्ट्स, बासु प्लेज, माइनफ्लक्स, ट्राइडो गेमर। एंड इसको बेटर समझाने के लिए एक और एग्जांपल देता हूँ, बासु प्लेस। इनकी 10K स्पेशल वीडियो देखिए कब आई थी। और 18 days बाद well done, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। इनके चैनल पे उस टाइम पे इतनी ग्रोथ हुई कि ही गेन्ड 90K सब्स इन जस्ट 18 days, लिटरली एक साल में मुझे 17 सब्स मिले एंड ही गेन्ड 90K सब्स इन जस्ट 18 days। एंड अब एक और एग्जाम्पल। माइनक्राफ्ट शॉर्ट्स के ट्रेंड्स जो कि खुद कोई शॉर्ट्स क्रिएटर लाता है, फॉर एग्जांपल बासु प्लेज, ये कुछ मंथ्स पहले लाए द नूब ट्रेंड, फॉलोड बाय ट्राइडो गेमर जिन्होंने इस ट्रेंड पे बासु प्लेज से और अच्छी वीडियोस बनाई। एंड ट्रेंड्स कोई छोटा क्रिएटर लाता है विद 100-300 के सब एंड इन पे वीडियोस 1 million वाले क्रिएटर्स भी बनाते हैं। एंड इसके बाद ट्रेंड हुआ Is Noob does the challenge, I gift him XYZ things. And इस पे छप्पर फाड़ के वीडियोस आई, आप खुद ही देखिए। रॉबर मैप खेल रहा है, अगर उसने सब लेवल कंप्लीट किए तो उसको डायमंड मिलेगा। अगर ये पूरा क्विज का चैलेंज कंप्लीट किया तो उसको डायमंड आर्मर मिलेगा। बेटर केज में ट्रैप किया, देखते हैं स्किप कर पाएगा कि नहीं। ये क्विज वाला चैलेंज कंप्लीट किया तो उसको अगर ये मेरे इस चैलेंज को कंप्लीट करता है तो उसे मिलेंगे बहुत सारे डायमंड। कोई नूब से पार्कोर करा रहा है, कोई नूब से एस्केप करा रहा है और उन वीडियोस में नूब इतना नूब दिखाया जा रहा है कि उसको बेसिक थिंग्स भी नहीं पता है माइनक्राफ्ट की। भाई वो नूब है लेकिन माइनक्राफ्ट प्लेयर है ना, उसको इतना तो पता है कि खुद पे स्किन कैसे लगाते हैं, तभी उसने वो नूब की स्किन लगा रखी है। इतना कोई नहीं हो सकता है। एंड 95% टाइम्स नूब ही हारता ही है वो चैलेंज, कोई जीतता ही नहीं है। लाइव है वो, लाइव वो नूब है तो कुछ ही नहीं कर सकता। मैं भी नूब हूं बट ये चीज़ें तो कर लेता हूं ना। हैशटैग जस्टिस फॉर नूब्स। एंड अब करेंटली द बिगेस्ट ट्रेंड है प्रिजन एस्केप का। एंड भाई इस पे वीडियो बनाने के लिए कुछ भी टॉपिक निकाल रहे हैं ये लोग, कुछ भी, आप खुद ही देखिए। आज मेरे दोस्त ने मुझे ये बेडरॉक केज में ट्रैप किया, मुझे ये वाले बेडरॉक केज में ट्रैप किया, देखते हैं स्किप मुझे माइनक्राफ्ट में नदर का। मेरे भाई ने मुझे बेडरॉक केज में ट्रैप किया, देखते हैं स्किप कर पाऊंगा। मुझे ट्रैप किया, देखते हैं स्किप कर पाएगा कि नहीं। कभी इनको नूब ट्रैप कर रहा है, कभी इनका दोस्त ट्रैप कर रहा है, कभी फ्रेंड ट्रैप कर रहा है और कभी तो ये खुद ही ट्रैप हो जाते हैं, कभी हीरो ब्रायन, कभी कुछ, ट्रैप होना ही है इनको। Well done, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। और ये यही खत्म नहीं होता, हर बार से बेडरॉक प्रेजेंटर टाइटल में लिख नहीं सकते तो लार्ज बेडरॉक प्रिजन, स्मॉल बेडरॉक प्रिजन, इम्पॉसिबल प्रिजन और हार्डेस्ट भी यूज कर दिया तो हार्ड बेडरॉक प्रिजन। कभी दिल में बेडरॉक प्रिजन, कभी दिमाग में बेडरॉक प्रिजन, कभी पैर में बेडरॉक प्रिजन। अब तक तो हम बस इनके बारे में बात कर रहे थे, अब इनकी थोड़ी वीडियोज भी देखते हैं।
तो पहले हम लोग नूब ट्रेंड की कुछ वीडियोस देखते हैं। जब लोग नूब वर्सेस प्रो बिल्ड बैटल चैलेंज करने वाले, देखते हैं नूब क्या बनाएगा। तो आज का थीम क्या होने वाला है, क्या लगता है? देखते हैं 3, 2, 1 थीम रिवील। ओ ट्री हाउस, देखते हैं किसका बिल्ड क्या होने वाला है। सबसे पहले मेरा बिल्ड देखते हैं। दिस इज माय ट्री हाउस। 3, 2, 1 ग्रैंड रिवील। व्हाट, तू हैक्स यूज कर रहा है ना पक्का? कुछ तो बिल्ड मॉड ही है। इसने इतना एस्थेटिक रोड कैसे बनाया? अलग से ब्रांचेस भी आए और इधर लैंटर्न कितना अच्छे से प्लेस किया है। बट फिर भी आई वन, तो अपना अपना देख ले, मैं जीत गया। बाकी तुम लोग कमेंट करके बताओ कि तुम लोग को कौन सा अच्छा लगा। चलो बच्चा चल भाई। भाई नेदरराइट आर्मर टाइटल में क्लिक बेट करके अंदर नेदरराइट आर्मर का जिक्र तक नहीं किया। वाह बेबू वाह, लिटरली नूब ने मुझे इतने बड़े केज में ट्रैप किया, देखते हैं मैं स्किप कर पाऊंगा कि नहीं। नूब को ये वाले बेडरॉक केज में ट्रैप किया, देखते हैं वो स्किप कर पाएगा कि नहीं। तो आज मैंने नूब को ट्रैप किया ये वाले बेडरॉक केज में, देखते हैं वो स्किप कर पाएगा कि नहीं। तो आज नूब ने मुझे ट्रैप किया, देखते हैं मैं स्किप कर पाऊंगा कि नहीं। नूब बेबू को ट्रैप करे, कभी बेबू नूब को। और हर नूब की स्किन कोई नूब का माइनक्राफ्ट में तो उसको स्किन लगाना कैसे आ गया, कैसे? बट बेबू पे बहुत बात हो गई। अब और क्रिएटर्स की वीडियोस देखते हैं। अब बेबू के बाद सेकंड बिगेस्ट क्रिएटर हैं मैकेडन, उनकी वीडियोस देखते हैं। माय फ्रेंड ट्रैप मी इन अ इंपॉसिबल बेडरॉक केज। माय फ्रेंड ट्रैप मी इन अ अंडरवाटर बेडरॉक केज। माय फ्रेंड ट्रैप मी इन अ टॉयलेट बेडरॉक केज। सारे टाइटल खत्म हो गए तो अंडरवाटर और टॉयलेट बेडरॉक केज आ गया। नाइस, मैंने अपने फ्रेंड को ये खतरनाक वर्ल्ड के अंदर ट्रैप किया। तो आज मेरे फ्रेंड ने मुझे अल्टीमेट बेडरॉक मेज के अंदर ट्रैप किया। वाह मीको भाई, कभी तुम ट्रैप तो कभी तुम और तुम्हारा फ्रेंड दोनों ट्रैप। और अगर दोनों ट्रैप हो तो ट्रैप किसने किया भाई? माइनक्राफ्ट बट इस प्रिजन को पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल। शाबाश भाई, हार्डेस्ट और हार्ड लिख चुके थे तो अब बहुत मुश्किल बोलेंगे उसको। कतई माइंड ब्लोइंग, दिमाग उड़ा दिया कसम से। ट्रेंड में कुछ न्यू करने के लिए कुछ भी बोलेंगे। वैसे अब ये ट्रेंड के बारे में बहुत हुआ, कोई दूसरे ट्रेंड की वीडियोस देखते हैं। नूब शॉर्ट्स, इनकी शुरुआत आई डोंट नो कहां से हुई, बट इनकी वीडियो के नाम पे जो मुझे हलवा मिला है ना, आओ आपको भी खिलाऊं। आज नूब ने ये क्विज वाला चैलेंज कंप्लीट किया तो उसको ये नेदरराइट आर्मर मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन क्या है, माइनक्राफ्ट रिलीज कब हुआ था? 2009 में कि 2011 में? वो कॉन्फिडेंट लग रहा था 9 में, मुझे नहीं पता, मेरे से पूछना भी नहीं। और एक भी क्वेश्चन रॉन्ग हुआ मैं तेरे को नेदरराइट आर्मर दे ही नहीं रहा। ओह, उसने तुक्के में सही गेस किया, 2011 ही था। एक एनुअल बनाने के लिए कितना? क्यों, वो नूब है तो उसको ये सब चीजें पता नहीं हो सकती? Hashtag justice for noobs. मैंने नूब को ट्रैप किया ये वाले बेडरॉक केज में, देखते हैं वो एस्केप कर पाएगा कि नहीं। काम कर, चल एस्केप करने का ट्राई कर। ओ भाई को दिमाग है भाई, एक एक करके सब सामान बिल्ड कर रहा है। ऊपर क्यों बिल्ड कर रहा है? तू ऊपर नहीं जा सकता, क्या कर रहा है? अरे सब व्हाट, नहीं, अरे देख चले पहले। हर नूब प्रिजन एस्केप वीडियो में यही है, नूब हार के कूद जाता है लावा में। भाई उसको लावा में कूदना आता है, सिंपल चीजें थोड़ी कर सकता है यार ये ऐसी। लेकिन नहीं, वो नूब है, लावा में ही कूदेगा, उसको भले स्किन लगाना आता लेकिन वो है नूब। तो आज मैंने अपने फ्रेंड को ये खतरनाक वर्ल्ड के अंदर ट्रैप किया है और यहाँ से एस्केप करने का रास्ता कुछ इस तरह से। वाओ, टाइटल में लिखा है ट्रैप नूब इन द वॉइड, वीडियो में बोल रहे हो कि अपने फ्रेंड को ट्रैप किया है वॉइड में और उस फ्रेंड की स्किन नूब की। अपने टाइटल से वीडियो स्क्रिप्ट मैच कर नहीं रही और तब भी इतने हजारों लाइक्स। मैंने नूब को बेडरॉक केज में ट्रैप किया, देखते हैं वो एस्केप कर पाएगा कि नहीं। क्या लगता है एस्केप कर पाएगा? हां देख क्या कर रहा है भाई, हिंट चाहिए? हां चाहिए ना। तो एक हिंट है, देखो आयरन से कुछ ना कुछ तो करना है। तो क्राफ्ट कर रहा था वो कुछ, उसको समझ में नहीं आया तो वापस बिल्डर चालू कर दिया। भाई नूब है तो क्या मतलब कुछ भी करेगा? ओ उसे सही स्ट्रेटजी उसकी, तो नूब है कि प्रो है? ये हुई ना बात, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। वो नूब है तो क्या हुआ, उसको आयरन बार्स नहीं क्राफ्ट कर सकता, वो चढ़ नहीं सकता क्या? यस, कर दिखाया नूब ने, लेट्स गो, हम जीत गए ये। लेकिन हाँ, मैं इतना नूब मत सोचना, मैं ऐसे कह रहा हूँ तू, लेकिन यस नूब ने कर दिखाया, प्रूफ कर दिया, प्रूव्ड इट। ही हर नूब स्किन वाला बंदा नूब नहीं होता, एंड ही अगेन प्रूव्ड इट। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।